सिमरन को बाजवाओं के घर रहना होगा। सिमरन की शादी रमन से हुई थी। पंचायत का फैसला ये है कि सिमरन को अपने ससुराल जाना होगा। क्या तरीका ढूंढा है राज ने? ये सब राज की चाल थी। हम बाजवा इतने घटिया नहीं है प्रीत, जिसकी याददाश्त चली गई हो उसका फायदा उठाए। बाजवा क्या कर सकते हैं और क्या नहीं, ये मुझसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। राज, सिमरन दीदी को कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। मैंने जो बोला है वो याद रखना। समझती क्या अपने आप को प्रीत? मैं खुद नहीं चाहता कि सिमरन दीदी इस घर में रहे, लेकिन वो मुझ पे इल्जाम लगा रही है कि मैं सिमरन दीदी को तकलीफ पहुंचाऊंगा। समझती क्या है? राज, ये नहीं समझ सकती तुम्हें। अगर तुम्हें कोई भी समझता है तो वो मैं हूं राज, और तुम देखना सब ठीक हो जाएगा। हाँ, मम्मी से बात करनी है अभी। राज, तुम किसी से अब कोई भी बात क्यों ना कर लो, उससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि होगा वही जो हम चाहेंगे। पापा जी सुनिए तो सही, माना की गलती हो। पापा जी, माना की गलती होगी, लेकिन माफ कर दीजिए ना। सुखी के पापा, ये एक बार दोबारा सोचो ना, ये सब क्या करा रहे हो आप? हाँ पापा जी, चुप। हाँ वहाँ एक ऐसा गंदा हो जाएगा, वहाँ खराब कर रखा दोनों ने। चलो चेती-चेती करो। वही रुक जा पर जाई, झूठ और धोखा देने वालों की इस घर में कोई जगह नहीं है। मैं क्या, सुखी के पापा परजाई ने ऐसा क्या कर दिया है? आप उनके साथ ऐसा क्यों कर रहे हैं? वैसे भी सिमी अब यहाँ से चली गई है। तो जाए ना, ये भी वहाँ जा हो गई है। भरे जहाँ इसकी बेटी मर रही है, पूरे पिंड के सामने नाक कटवा दी है इसने। पापा जी, वैसे इस अनार में इतने दाने नहीं होंगे जितना कि परजाई झूठ बोलती है। मैं क्या सुखी के पापा, एक बार सोचो, परजाई ये सामान लेके कहाँ जाएंगी? और परजाई की तरह नहीं हूं कि घर से बाहर निकाल दूं। हाँ, लेकिन घर के अंदर जगह नहीं है। आज के बाद ये आंगन में रहेगी, रहना तो रह। पापा जी, ऐसे एक शब्द और नहीं निकालना, नहीं तो अभी के अभी इसे घर से बाहर निकाल दूंगा, कोई कुछ नहीं कर पाएगा।
तो चलो भाई बाकी काम करो अपना। पी लें वरना फिर से नहीं मिलेगा। बहुत नाइंसाफी है। मोहिनी आंटी ये आप क्या कर रही हैं? इस तरह से थोड़ी ना किसी को पिलाया जाता है दूध। दीजिए अब यहाँ आए, इधर आइए, आइए ना इधर आइए, मैं पिलाती हूँ। दूध दो, प्यार से पिलाते हैं। पीलो, गुड गर्ल। क्या बात है, इतना प्यार और वो भी अपनी दुश्मन की बहन से, मेरा मतलब अपनी सौतन की बहन से। इसे इतना परेशान करूंगी कि प्रीत अपने घुटनों पर बैठकर इसके लिए रहम की भीख मांगेगी मुझसे। और अगर उसे अपनी बहन की सलामती चाहिए तो उसे यहां से जाना ही होगा, राज की जिंदगी से निकलना ही होगा। ये लो, अगर तुम्हें बाहर कोई भी दिखे ना तो उसे मार देना और फिर चले जाना। मां, क्या आपको लगता है कि मैं अपने फायदे के लिए सिमी दीदी का इस्तेमाल करूंगा, जबकि मुझे पता है कि उनकी दिमागी हालत बिल्कुल ठीक नहीं है? क्या आपको ऐसा लगता है मां, क्या मैं ऐसा करूंगा? नहीं, मुझे नहीं लगता। मगर इस घर में वापस आने के बाद तूने बहुत सारी चीजें ऐसे की हैं कि अब मुझे लगता है कि तू कुछ भी कर सकता है। आपकी आंखों में साफ दिख रहा है मां कि आपको अब मुझ पे रत्ती भर भी भरोसा नहीं है, और ये सब उस प्रीत की वजह से है ना? मुझे तो ऐसा ही लगेगा आजकल, मोहिनी के दिमाग से जो चल रहा है। तू पहले उस प्रीत को घर से बाहर निकालने की कोशिशें कर रहा था, और अब जब मन नहीं भरा तो सिमरन को यहाँ ले आया। माँ, आप क्यों नहीं समझ रही है मेरी बात? मेरी कोई गलती नहीं है माँ, ये सारी साजिश, ये प्लानिंग सब उस मोहिनी आंटी की है। मोहिनी, इस नाम ने मेरे पूरे परिवार को बर्बाद कर दिया है।
तुझे याद है ना इस मोहिनी ने क्या किया था मेरे साथ? तुझे अपने साथ लेकर मुझे ये घर छोड़ना पड़ा था, और आज तू उसी मोहिनी की बातें सुन रहा। माँ, मुझे घर जाना है। नहीं, आप नहीं जा सकते, साहब ने मना किया है। सिमी दीदी, सिमी दीदी, ये क्या कर रही हैं आप? आपको चोट लग जाएगी। लाइए दीजिए। नहीं दूंगी दीदी। आप मुझे मुझे घर जाना है। हाँ, मैं आपको घर ले जाऊंगी। दीदी, उसे तमाशा देखते हैं। दरवाजा खोलो। सिमी दीदी, ये क्या कर रही हैं आप? आपको चोट लग जाएगी। मुझे मुझे घर जाना है। हाँ, मुझे घर जाना है। आपको चोट लग अब मुझे पता है दीदी को रोकने के लिए मुझे क्या करना होगा। मैं तुम्हें मार दूंगी। मैं मार दूंगी। अब देखो, मुझसे दूर रहो। देखो, मुझसे दूर रहो। देखो, मेरे पास मत आना। देखो, मेरे पास मत आना। मैं तो डर गई। ये, मैं जीत गई। आप जीत गए। दीदी, ये मेरे हाथ में दे दो। नहीं, आपको टॉफी बहुत पसंद है ना? हाँ। मैं आपके लिए ढेर सारी टॉफियां लाऊंगी। हाँ? नहीं। मार दूंगी। अगर कोई सिमरन के पास आया तो प्रीत, मैंने तुमसे कहा था ना कि सिमरन को घर छोड़कर आओ। यहां क्या कर रही है ये? तू नहीं जानता, सिमरन अब इसी घर में रहने वाली है। क्या मतलब? सिमरन इस खानदान की बड़ी बहू है, यहां नहीं रहेगी तो कहाँ रहेगी? तुम लोगों को अपनी सोच पर घिन नहीं आती? तुम्हें इसमें सिर्फ एक पवनिया दिखता है, मासूम लड़की नहीं दिखती। रोहन वीर जी, अगर कोई सिमरन के करीब भी आया ना तो
राज बाजवा, मेरी बहन के हाथ में दराती कैसे आई? मतलब तू कहना क्या चाहती है? मतलब जो तू समझ रहा है, ये सब जो भी हुआ ये तेरे ही गंदे दिमाग का खेल था ना? ठीक है, तू ये सुनना चाहती है ना? हाँ, ये सब मैंने ही किया है। तुझे पता है तेरी प्रॉब्लम क्या है? इतनी गंदी सोच तेरी हो सकती है प्रीत, क्योंकि इंसान जैसा खुद होता है ना, उसे पूरी दुनिया के लोग वैसे ही लगते हैं। पता है तुझे क्यों लगता है कि मैं सिमरन दीदी को परेशान करूंगा, तंग करूंगा? क्योंकि तू ऐसी है। तूने अपनी खुदगर्जी के लिए तूने मेरे रमन वीर जी की जान ली। तेरे यही हाथ रमन वीर जी के खून से रंगे। और इसीलिए तुझे लगता है बाकी सारे भी तेरी तरह मतलबी है। जाते जाते एक बात कहूंगा प्रीत, तुझे तो एहसास नहीं होता कभी किसी की अच्छाई का, लेकिन मैं तुझे बताना चाहूंगा कि मेरे ही भाई ने आज तेरी सिमी दीदी को बचाया। जरा सोच कितना फर्क है तुम पवनियाओं में और हम बाजवाओं में। साक्षी, ये तो बस शुरुआत है प्रीत। अब राज को तुमसे अलग करने में खुद तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। हमें इन पवनिया बहनों से बचकर रहना होगा। बहुत ही शातिर है ये बहनें। क्या मतलब है आपका? वो बेचारी सिमरन दीदी तो यही तो बेचारी। अरे राज, तुम जैसे लड़के ना समझ नहीं पाते ऐसी लड़कियों को। कभी अपनी काबिलियत से तो कभी मासूम बनकर, अगर नहीं बात बनी तो फिर पागल बनकर तुम जैसे लड़कों को फंसाती हैं ऐसी लड़कियां। और ये पवनिया बहने तो माहिर हैं सब में। अरे इनकी माँ ने यही सब तो सिखाया है इन लोगों को। भरोसा ही नहीं किया जा सकता इनका। अब वो सिमरन को ही देख लो, पहले रमन को फंसाया और अब रोहन को। कोई सोच भी सकता है कि सच में पागल है? बेचारे रोहन के पीछे पड़ी है। तूने देखा ना राज, किस तरह सबके सामने रोहन उस सिमरन का साथ दे रहा था। वो बेचारा अपने पैरों पर आज तक खड़ा नहीं हो पाया और उस सिमरन की वजह से अपनों से लड़ पड़ा। अपनों से ज्यादा हमदर्दी तो उस सिमरन से हो गई है उसे। हरजीत जी से, तेरे पापा जी से इस घर का हक मांगने खड़ा हो गया वो आज। तू
छोड़िए अपने भाई की मौत को। अरे इसी लड़की की वजह से जान गई उसकी, तो मारता क्यों नहीं इसे? नहीं पापा जी, अब मैं उस लड़की पर आंच नहीं आने दूंगा। पापा जी निकल जा मेरे घर से, तेरे लिए इस घर में कोई जगह नहीं। अब इस घर में मेरा भी 25% का हिस्सा है, आप मुझे यहाँ से बाहर नहीं निकाल सकते। हो ना हो, ये किया धरा उस प्रीत का ही है। पहले धोखे से तेरे साथ दोबारा शादी की उसने, और अब उस सिमरन का इस्तेमाल कर रही है तेरे भाई रोहन को फंसाने के लिए। तू जानता है क्यों राज? क्योंकि तू चाहता था ना कि तेरा भाई रोहन शाह बने। जब रोहन ही कमजोर पड़ जाएगा तो इसका मतलब कि पूरा बाजवा कमजोर पड़ जाने हैं। कितनी कमाल की है ना ये लड़की। लो जी, हो गया इसका मकसद पूरा। प्रीत पवनिया, मैं तुझे बाजवाओं को बर्बाद करने के मकसद में कभी कामयाब नहीं होने दूंगा।